हाँ हो चुकी है दोस्तों पैकिंग जाने की। और ये जो है मुझे लग रहा है डब्बा पूरा पैक कर दिया अरसे का, इसमें अरसे। अरे अरसे अरसे भिजवा दो नीचे। हाँ और ये क्या है? अच्छा ये वहाँ गिर गया है। चलो ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पर हो चुके हैं मॉर्निंग, शादी का अगला दिन, और थोड़ी देर में निकलने वाले हैं हम घर, लेकिन उससे पहले भी डांस। चलो भाई फिर चलो पंडित जी, डांस चेंज नहीं होना चाहिए आपका। निशा की शादी में आएंगे वैसे ही डांस रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है कि डांस कॉपी नहीं कर पा रहे हम आपका। आपका डांस आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला निकलो जल्दी, चलो। हाँ तो फिर गांव को कहते हैं अलविदा और चलते हैं दिल्ली की तरफ। बहुत इंजॉय किया, बहुत मजे किए। भाई सारे हो चुके हैं यहाँ पे रेडी। हाँ मुझे दे दे, पापा को दे दे, पापा को। थैंक यू। मामा जी मैंने कहा आप भाग भाग के पिटाई लगा रहे हो। ये एक साथ सब जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर मामा जी जो है भाग भाग के पिटाई लगा रहे हैं ताकि वो छूट ना जाए। बनेगी मामी जी है हमारी बड़ी मामी जी, और इतनी एज नहीं मामी जी की, जो खासियत है मामी जी के जो बाल है वो इतने ज्यादा बड़े हैं अभी भी। मामी जी राज के आपके बालों का फेस पर रौनक है। राज के आपके बालों का राज क्या है? अच्छा 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 बहुत अच्छी और खुश रहते हैं सबसे बड़ी बात। चलो ठीक है मामू जी, मिलते हैं। ओके हम अभी तो आए थे 2 महीने पहले। ये दोबारा पढ़ चुके कंटेंट आप ले रहे हैं विदाई। अच्छा मैं हाथ भी लेती। इतनी जल्दी कौन लेता है? इतनी जल्दी हाँ जी, मैंने कहा इतनी जल्दी कौन लेता है हाथ में? अरे उसको मुझे अंदर से लेके आ रही है अपने घर वापस जा रही है। वो उनका है जवाई जी का। निशा का? ये किसका है? वो निशा का होगा ना। अपने घर चलो चलो। तो नानी जी से विदा। मामी है मामी है मामी है मामी है मामी जी से विदा कहते हैं। और मामी जी को हम बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं, मतलब हमें जब भी आते थे मामी जी, हम छोटे छोटे थे ना तब भी, और हमारे मामी जी हमारे साथ बिंदुवासिनी भी गई थी पिछले साल, वो पिछली बार जब आए थे हम। एनर्जी जब भी आपकी एनर्जी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही एनर्जी, बढ़ रही है धीरे धीरे। सही बात है। नानी के साथ देखते थे आपको, देख के नानी की भी याद आती है हमें।
पुराने लोगों की यही बात है। हाँ। बहुत ही पसंदा लग रहा था, वो पुराने लोग ना बहुत अच्छे लगे। सही बात। पहले आपसे मिलते थे नानी भी थी साथ में, तो बहुत याद आती है ना कि जो स्टेप कॉपी कर पाए सब है। चलो चलो जय कर दे, जय जय कर दे, जय कर दे। देखो बुआ टॉफी खाने के लिए चॉकलेट खा लेना लास्ट में। आता है यहाँ पे सच में घूमने में फिरने में, ये रास्ता है मतलब अभी हम जा रहे हैं और ये जो रास्ता जा रहा है बैराज की तरफ को, उसके बाद फिर दिल्ली जाएंगे। तो कितना प्यारा रास्ता ना मामा की, हमारे गांव का रास्ता है, एक शुद्ध हवा शुद्ध नेचर, कोई आसपास यहाँ पे नहीं है, शांति है बिल्कुल। और कुल मिला के शादी में यार बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने शादी में, कभी कभार ऐसा होता है लाइफ में। अरे देखो पानी, देखो यहाँ पे पानी का बहाव, देखो कितना अच्छा है और बिल्कुल साफ पानी। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाते हैं फिलहाल आधे घंटा, उसके बाद फिर कभी आएंगे यहाँ पे। मजे मजे फिलहाल दोस्तों गांव से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन अभी हमने यहाँ पे रुक लिया कोड़े गांव में चाय पीने के लिए। लड़की चाय पीने ना घर वापस ना आए बर्फ आ गया हमें, ठंडा पवन है जो माँ कर रखे ना, कितना भयंकर कितना मस्त है वाला। हाँ बेटा ये लो। फाइनली दोस्तों घर पहुंच गए हम और हमें हो गया आधा घंटा, और यहाँ पर चाय बनाने के लिए मेरे को बोला गया तो मैं चाय बना के दे रहा हूँ। तुमने खुद बनाई है? हैं? खुद बनाई है। हाँ तो वही तो कर रहा, चाय बना के दे रहा हूँ। अमिता थक गए थे पता है, इन्होंने बोला उन्होंने बोला गया उस दिन हम यहाँ से गए थे 5 घंटे में पहुंचे, 4 घंटे में पहुंच गए थे हम, 4:30 में निकले थे, 9 बजे पहुंच गए थे गाँव, पहुंच गए थे 9 बजे भाई, पूरा एंजॉय एंजॉय कर। और आज हम उसका डबल टाइम लग गया, आज हम भाई साहब 10:30 बजे निकले थे मॉर्निंग में और अभी 10 बजे 10:30 बजे पहुंचे, सोच लो 12 घंटे पूरे 12। और आज भाई दूज भी था, और सबसे बड़ा रीजन है ना कि दिवाली तो कोई वो नहीं है, रीजन ये था कि ना 4 दिन की लगातार छुट्टी थी, लोग सब लोग गए थे गांव में, और आज संडे भी था तो सब लोगों की वापसी थी आज की, इतना ट्रैफिक आते वक्त और जाने वाली, फ्लाईओवर में भी ट्रैफिक है ऐसे भाई, हाईवे के फ्लाईओवर में ट्रैफिक बताओ, उसमें भी इतना ट्रैफिक था कि बताओ, जहाँ 4 घंटे का रास्ता वहाँ हम 11 घंटे में पहुँच रहे हैं। चलो भाई तो फिलहाल यहाँ चाय पी रहे हैं, सबके चेहरे जो है मुरझे हुए हैं, इसलिए मैं अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता। हाँ ना, किसी को तो बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं सर, भूकंप आ रहा है। मम्मी आती बोले भूकंप आ रहा है, मेरे को सबको ऐसे लग रहा है कि भूकंप आ रहा है सर। चलो क्योंकि टाइम देख सकते हो, टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे देखो, 11:15 बजे। चाय बेकार बनी है? कोई बात नहीं, बेकार तो मैं बनाता ही हूँ चाय। कह रहे चाय बढ़िया बनी है, चाय कैसे बनाई भाई? क्योंकि मेरे को जुकाम भी लग गया था तो मैं अदरक कड़क वाली कड़क बनी है ना। मम्मी ने बोला तुम एक काम करो, तुम्हारे वीडियो से मैं तुम्हारा वो करूंगा, तुम्हें क्रॉप करूंगा वीडियो में, डिलीट मारूंगा तुम्हें, रुक जाओ।